नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेला और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक कर लेते हैं खबरें धुआंधार का। लखनऊ में मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्षी दलों पर किया हमला, कहा कांग्रेस भाजपा में सॉफ्ट हिंदुत्व की होड़ है, बाकी सभी धर्मों की कर रही है उपेक्षा। उत्तराखंड में मजारों को गिराए जाने की मायावती ने की निंदा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई से बसपा सहमत नहीं, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने उचित नहीं। लोग मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनकी आस्था को ठेस पहुँचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। मायावती ने कहा ऐतिहासिक स्थलों से छेड़छाड़ करना न्याय संगत नहीं, इससे आपसी भाईचारे पर पड़ रहा असर, ऐतिहासिक स्थलों का भी होना चाहिए सम्मान। सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। पीएम मोदी ने दिया 70,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा, देश के 43 जगहों पर किया गया रोजगार मेले का आयोजन, प्रतिभागियों को पीएम मोदी ने किया वर्चुअली संबोधित। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया को आज भारत पर भरोसा, भारत में आज बड़े स्तर पर हो रहा है विदेशी निवेश, विदेशी निवेश की वजह से रोजगार में तेजी से इजाफा। वाराणसी में G20 की बैठक के आखिरी दिन विदेशी प्रतिनिधियों ने सारनाथ का किया दीदार, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे साथ। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। सूत्रों से खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की संभावना, केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएगी दलित मंत्रियों की संख्या, आगामी चुनाव में दलित वोट बैंक पर भाजपा का फोकस। यूपी भाजपा के नेताओं को एमपी राजस्थान में मिलेगी जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को राजस्थान में मिल सकता है दायित्व, स्वतंत्र देव सिंह को फिर से एमपी में जिम्मेदारी मिल सकती है। 2024 के लिए बसपा अपनाएगी कांशीराम मॉडल, 2024 के लिए बसपा चलाएगी मिशन ग्राउंड, मिशन ग्राउंड में मायावती जमीन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए बसपा की रणनीति, बसपा का 24 के लिए गांव चलो अभियान पर जोर, गांव गांव जाकर कैडर वोटर, नए वोटर और महिला वोटर्स पर फोकस। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, शूटर विजय यादव ने नेपाली मोबाइल और सिम कार्ड का किया इस्तेमाल, बरामद मोबाइल भी नेपाल से खरीदने की खबर, 7 जून को कोर्ट में हुई थी गैंगस्टर जीवा की हत्या। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी पर आज नहीं आएगा फैसला, वकीलों की हड़ताल और जज की छुट्टी पर होने की वजह से फैसला टला, अब 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आएगा फैसला। अगले एक हफ्ते तक यूपी में लू और भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं, 17 जून तक झेलनी होगी तपिश, 20 जून के आसपास बरस सकती है राहत की बूंदें। यूपी में कई शहरों में बिजली कटौती से लोग परेशान, भीषण गर्मी में प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ी, बिजली डिमांड 27,368 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगी विश्व कप का मुकाबला, 29 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा मैच और भारत और इंग्लैंड के बीच इकाना में होगा मुकाबला। जालौन में बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लगी भयंकर आग, स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया, आटा थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव की घटना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर पलटे ट्रक में लगी आग, हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर घायल, रिफाइंड लेकर जा रहा था ट्रक।
संभल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रांसफार्मर में कई दिन से जल रही है आग, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। पट्टीलाल सिंह गांव का मामला। श्रीनगर में बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक की मौत, कार के खाई में गिरने से हुआ हादसा, युवक के तीन दोस्त भी हुए घायल। श्रीनगर खिरसू मोटर मार्ग की घटना। सुल्तानपुर में मां ने बेटी का गला काटकर की हत्या, हत्या की वारदात से इलाके में मची सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर में ट्रैक्टर चालक की हत्या, घर के बाहर ट्रैक्टर पर सो रहा था युवक, खेत में रस्सियों से बांधा मिला युवक का शव। आजमगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर पुलिस पर लगा ठगी करने का आरोप, सिपाही पर 4.5 लाख रुपए ठगने का आरोप है, आरोपी सिपाही पर मुकदमा दर्ज हुआ। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में लव जिहाद का आरोप, पहचान छिपाकर 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहकर युवती को फंसाने का आरोप, युवक के खिलाफ केस दर्ज। जालौन में प्रेमी संग भागी देवरानी और जेठानी, घर में रखी ज्वेलरी भी ले गए साथ, पीड़ित भाइयों ने एसपी को शिकायती पत्र देकर लगाई मदद की गुहार। नदी गांव थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले पत्थर गैंग से पुलिस की हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 7 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घायलों को अस्पताल में कराया गया। बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान थाना स्याह पुलिस पर बाइक सवार बदमाश ने की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। बदमाश से अवैध हथियार, कारतूस और बाइक बरामद, पकड़े गए बदमाश का नाम है विजय, पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र, उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग की। पत्र में लिखा, उत्तराखंड में बंगाल और केरल से ज्यादा के मुस्लिमों के बढ़ने की संख्या टाइमर बम पर बैठा हुआ है इस वक्त उत्तराखंड। लव जिहाद के मामले पर परोला में होने जा रही है महापंचायत का, भाजपा विधायक दिलीप रावत ने किया समर्थन, कहा कि प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए महापंचायत जरूरी, उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट समझकर उत्तरराष्ट्रीय ताकतें धर्म परिवर्तन के लिए कर रही हैं फंडिंग। रुड़की के बिंदड़ा गांव में बवाल और पथराव का मामला, पीड़ितों ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ और डकैती करने का आरोप लगाया, गांव में अभी भी तनावपूर्ण माहौल। खटीमा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, एसडीएम ने अवैध खनन की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम के साथ छापेमारी की, अवैध खनन से लदी 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा गया। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त हुई पौड़ी जिले की एसएसपी, नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं, साइबर क्राइम की वारदातों में कमी लाने के भी आदेश। पिथौरागढ़ पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ शुरू किया अभियान, 45 वाहन किए गए सीज, अभिभावकों का 25,000 रुपए का किया जा रहा है चालान। जोशीमठ में जून के महीने में बर्फ का अद्भुत नजारा, यात्री अद्भुत नजारे को देख करके मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, हेमकुंड साई में अभी भी जमी हुई है 6 से 8 फीट बर्फ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।